स्थानीय टाउन हॉल में बीती रात नगर के नाट्य कलाकारों ने अपने अभिनय से सबको हंसने व लोटपोट होने पर मजबूर कर दिया। मौका था संस्था नटराज व प्रेस क्लब द्वारा आयोजित हास्य नाटक बाप रे बाप की प्रस्तुति का। स्थानीय टाउन हॉल में केपी सक्सेना लिखित बाप रे बाप नाटक का दर्जन भर कलाकारों ने मंचन किया। कहानी में आधुनिक जमाने के परिवार की भावनाएं, क्लेश व रिश्तों में किस तरह दरार, गलतफहमी व अन्य बातों के पनपने का कलाकारों ने कहानी रूप मंचित किया। इस मंचन ने लोगों को हंस हंस कर लौटने पर मजबूर किया, साथ ही ध्वस्त होती सामाजिक, पारिवारिक व सांस्कृतिक व्यवस्था पर भी कटाक्ष किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छावनी परिषद सीईओ आलोक गुप्ता, बोर्ड उपाध्यक्ष कैलाश पांडे सहित कई गणमान्य जन और नाट्य प्रेमी मौजूद थे। बांग्लादेश में बौद्ध प्रतिमाओं के साथ अपमानजनक वाक्य व बौद्ध धर्मालुओं से अभद्र व्यवहार का स्थानीय धर्मालुओं ने विरोध किया है। इसी के चलते स्थानीय व बाहर से आए बौद्ध धर्म के लोगों ने बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक स्थित स्तूप पर बांग्लादेश सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना कर प्रदर्शन भी किया। गुरुवार सुबह स्थानीय बौद्ध धर्मालुओं के साथ ही महाराष्ट्र व अन्य जगहों से आए समाज के लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्मारक पर पहले प्रार्थना व बाद में प्रदर्शन किया। तत्व हाय हाय, असामाजिक तत्व हाय हाय। बौद्ध धर्मालुओं का कहना था कि बांग्लादेश सरकार द्वारा भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, जो अत्यंत निंदनीय है। इस घटना को लेकर भारत सरकार को तीखा प्रहार करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध हमारी सांस्कृतिक व धार्मिक धरोहर है। उनका अपमान पूरे देश व बौद्ध धर्म का अपमान है। और जो बांग्लादेश यहाँ हम मऊ में आए हैं, और जो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब गौतम बुद्ध ने अपन को शांति का मार्ग दिया है, तो सब विश्व में शांति होना चाहिए। जब अपन बड़े बड़े बातें करते हैं कि भारत को बौद्ध चाहिए, और जब बौद्ध लोगों पे ऐसी हिंसा होती है तो हमें बहुत बुरा लगता है। प्रदर्शन में स्थानीय लोगों के साथ ही बाहर से आए धर्मालु भी उपस्थित थे।